हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम कुछ इस टाइप की पिक्सआर्ट क्रिएटिव फोटो एडिटिंग करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड को चूज कर लेंगे। इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, चले जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट मारने के बाद इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसके ब्राइटनेस को भी हल्का से एकदम बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसके सैचुरेशन को कम कर लेते हैं, क्लैरिटी को इसको बढ़ा लेते हैं, हाईलाइट को भी बढ़ा लेते हैं, शैडो को कम कर लेते हैं, उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड करते हैं स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसको करते हैं सेट। सेट करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको करते हैं सेट। सेट करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड करते हैं स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। उसके बाद इरेजर आइकन पे क्लिक करके इसको करते हैं इरेज। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद इसको करते हैं सेट। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने मॉडल को कर लेते हैं चूज। ऐड करने के बाद इसको करते हैं सेट। सेट करने के बाद शैडो आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसका बना लेते हैं शैडो। इसके पोजीशन को कर लेते हैं सेट। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसका बना लेते हैं डुप्लीकेट, उसके बाद इसको करते हैं नीचे सेट। सेट करने के बाद इसको करते हैं मूव डाउन। मूव डाउन करने के बाद थोड़ा सा इसको और पतला कर लेते हैं। उसके बाद इस वाले को भी कर लेते हैं सेट। इसको भी कर लेते हैं मूव डाउन। मूव डाउन करने के बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। सो गाइस, क्या आप देख सकते हैं हमारा फोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। सेट करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड करते हैं स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसका बना लेते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बनाने के बाद इस साइड से कर लेते हैं सेट। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में आने के बाद इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसकी क्लैरिटी को भी बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसके सैचुरेशन को भी बढ़ा लेते हैं, हाई लाइट को भी कम कर लेते हैं, शैडो को भी कम कर लेते हैं। उसके बाद इरेजर आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इरेज। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। सो गाइस, क्या आप देख सकते हैं हमारा फोटो बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद उसको कर लेंगे सेव।